हेलो जी, राम राम जी सबने, और सब ठीक ठाक होगा। स्वागत है आप सबको हमारे एक और नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम का टाइम, शाम का बज रहा सी 3:30, सही 3:30 को टाइम है ऐसे। और मैं मशीन चला रही थी, मैंने सिलियो से एक सूट सिल दिया उसे, और मतलब नायरा कट सूट सिल लिया था, और एक मौसम है प्लाजो, और उठे टिया खेल रही है, और वानू है, सीमा आ रही से। मैं व्लॉग ना बना पाई 2-3 दिन तक, तो ये आई थी 3-4 दिन हो लिया शायद इन आयुड़िया ने, और कोई व्लॉग ना बनाया मैंने। तो फिर सीमा तो चली जाए से सुबह स्कूल में, और टी आर वन और ऐसे इन खिलावा काम करा, और फिर मैं अपना मशीन को काम करो, यो एम ए बिजी हो जाऊँ सो। तो मैंने नायरा कट सूट सीमे तो भी सिला, सीमा को रही की ब्लाउज सीमे तो, और 2 सूट और सिल दिया, ये सिल दिया सी। पहला का रखा था 2 सूट वे सिला, नाया था वे सिला थे, और एक नायरा कट सूट सीमे से एक ब्लाउज ये सीम दिया से। और अगर वो लोग बनाए तो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। तो मैं ये सीम ले सूँ, फिर चाय वगैरह बनाऊँगा, बर्तन साफ कराऊँगा, शाम का टाइम को काम कराऊँगा। तो ये मैं सीम रही सी वो प्लाजो, ठीक है, मैंने सील ली। ओ यार वाश बेसन में क्यों बैठा दी छोरी, देखे पानी पड़न ला रहा, पूछा ने बालक से या तो इवनु का देखी मिका देखी मिठावे की डोले की गुडड़िया डोले है या। तो जी मैं चला ली सुन से डुगो खेलेगी या फिर कुछ और सामान ले लेगी। तो बस ये रहना है कि मम्मी बेला कसर देगी, और मैं थोड़ी देर मशीन चला के फिर और कुछ काम करूँगी। है को जो नायरा कट सूट सी मैं था वो तो सीन दिया था, ये देखिए जो या पेंट प्लाजो से ये और सीन रही सो, और फिर बस ब्लाउज सीमे थे एक, और एक लहंगा और बनाना से वो बना देंगे।
का 2-3 सूट सिला था और यो लहंगो बनाया था मैंने, तो बताइए यो कमेंट करके लहंगो कैसा बना था। और यो देखो कुछ ऐसा बना है लहंगो और ब्लाउज, लहंगो और ब्लाउज बनाया था मैंने, ऐ का सुंदर लाग रहा है ना, वो कलिया में बनाया था मैंने। और जिस करके मैं ब्लॉग ना बना पाइया चली जाती स्कूल में, तो फिर भाई बालक ने भी डांटा और ऐगा ये 2-3 सूट वगैरह भी सिल लिया था। तो यह ब्लाउज बनाई थी मैंने, कुछ ऐसा डिजाइन बनाया था बाजू पे और ये लहंगो और ये नाड़ा। और जल्दबाजी थी जब करके मैंने थोड़ा सा ऐसा ही बनाया, लटकना अगर थोड़ा सा टाइम होता तो मेरे को थोड़ा सा और अच्छा बना देती है, जल्दी थी तो बस मैं सी ली पाई थी ना। तो बस ये अपने कर रही सब पैकिंग और ये जाएगी, पापा ने छोड़ दिया होगा तो जो तिया पापा से उनको टाइम ना आया तो आन को, और दुगो पापा चला गया था स्कूल में तो पापा छोड़ा होगा इवन मोटरसाइकिल पर। और बालक का साथ मेरे सामान की बहुत ज़्यादा दिक्कत है इससे, अगर एक पापा होता और अगर टाइम पर तो भाई का टाइम छोड़ जाता और जंग की तब तो मतलब दिया को पापा वानो पापा तो वे भी गाड़ी लेकर आ जाता पर वे आ ना पाया और दुगो पापा भी ना आ पाया स्कूल में था। तो फिर बोली लेट जाऊँगी जानो तो सही, तो पापा छोड़ का होगा ईद, तो टिया बैठा ली इस पापा ने आगा ने, एक बैग ले लियो आगा ने और एक बैग ही हो ये। मैं कह रही भाई कपड़ा जय बालक का साथ में, दोनों बालकों का कपड़ा था, खुद का भी कपड़ा जय सर कुछ भाई पुराना नया करके और कपड़ा काफ़ी जय बालका का। तो मैं भी सेटिंग कर रहा था कि कट्टा ने सेट करा, फिर मैं कह रही थी क्या तो बढ़िया आज जाता तो छोड़ ही आता। और बस फिर यो बैग आगा ने रखे मैंने और यो जो दूसरा बैग से सीमा और ली साइड ने पकड़ लेगी, यो जो पिट्ठू बैग से ना यो अपना टांग लेगी। तो बस और टिया रख ली थी हमने उरे ही, वानू का बिल्कुल भी याद गुना टिया ना जा रही, टिया हमने भेजी गुना है, हमने सोची भाई उरे रख लेंगा अगर वह डटेगी तो हमने वह उरे ही रख ली थी। और या अपने वानू राजी होकर अपना घर जाने खातर के अपने घर जाऊँगी। तो बस ये कर दें हाँ इन्ना विदा और आखिरकार अपन बस सेटिंग हो ही गई कि भाई यहाँ सामान सेट होगा, फिर नू तो से नहीं बाजार वगैरह में तो जानो को ना ज़्यादा दूर भी को ना रहा, तो बस 15 मिनट को रास्ता से ज़्यादा दूर को ना 15 मिनट में पहुँच जाएगा। तो बस ये भेज दिया से हमने कर दी है विदा सिम्मा। और ये प्लाजो पहन लियो या बहुत बड़ी गलती से, जब भी हम बाइक वगैरह पर जावा तो ये प्लाजा वगैरह कदे भी ना पहन के जाना चाहिए।